देख आप लोग देख रहे होंगे राजा ना, राजा जिसके बारे में बता रहा था, देख चुपका बैठा है, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज से मतलब है। इसको देखोगे ना बार बार, ए देख बस, कोई लेना देना नहीं है ना किसी से, बात ना किसी से, कोई लेना ना कोई देना, सिर्फ जिम डंबल ये बातें भी करता है, सिर्फ मशीनों से बातें करता है। सच में ही इनों का सोडियम बंद है, इनों का खाना पीना बंद है, तो इनों के अंदर एनर्जी कैसे है इतनी ज़्यादा एनर्जी कि ये बिना रुके वर्कआउट कर रहे हैं। और बैक में इंप्रूवमेंट देख लो, देख अब देख तू ऐसे खड़ा रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब जो तुम्हें ट्रेनिंग कराई है ना उसका काम समझना, ये दिख रहे हो तुम्हें दोनों मोटे अलग से ही दिख रहा है भाई, तू बता दिख रहा है, ऐसा हो गया ना कितना पंप सा हो गया। ये बहुत रेयर लोगों के होता है। ए अब हल्का सा पीछे ऐसा करिए, हल्का सा बस, आगे निकल के आगे डिफेंड हो गए अलग ही, कितना पंप हो रखा है ना, हो रखा है ना। तो बंदा जब नीचे से बैग देखेगा ना खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कैसे बनता है यार, इसकी क्या ट्रेनिंग है ना। सर रब मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग, तो स्वागत है आप अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। आज मैं कुछ आपके ऐसे लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल प्रेप कर रहे हैं, और उनमें से एक ऐसा लड़का जो कि सीरियसली मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि राजा, बोलने के लिए मजाक कर रहा हूँ बट एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट को लेके पागल है, मेंटली डिस्टर्ब मतलब वर्कआउट को लेके पागल है। मैं इसको जो बोल देता हूँ, जैसा बोल देता हूँ वैसा ही खाता है, और जितना बोल देता हूँ उतना ही करता है। तो ऐसे एथलीट बहुत कम मिलते हैं देखने को। ये सुबह आ चुका था जिम, कितने बजे आया था भाई? 10 बजे, और अभी बज रहे हैं 12:30। जब से मैं इसको देख रहा हूँ, मतलब मैं इसको रोज़ ही देखता हूँ, जैसे बहुत सी वर्कआउट करता रहता है, ये हंस भी सिर्फ कैमरे के सामने रहा, वरना हंसता भी नहीं, हंसता कभी ये है ना। तो बस यही है, और मैं इसकी जर्नी बताऊँ तो जो इसने मुझे बताया, पता नहीं कि भाई मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था और रिजल्ट नहीं मिला, क्या मेरी 2-3 साल में बॉडी बन जाएगी, ऐसा ही था 2-3 साल में मैं स्टेज पर जीत जाऊँगा। तो फिर क्या हुआ, कब आया तुम मेरे पास? मैं अक्टूबर का शुरू में ज्वाइन किया पिछले साल, उसके पहले मतलब 2-3 सालों से वर्कआउट कर रहा था, ठीक ठाक रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं ट्राई कर रहा था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन बहुत सालों से पॉसिबल नहीं हुआ। माना कि मैं प्रॉपरली सभी रूटीन फॉलो करके ही कर रहा था। इधर 6 मंथ्स में मेरा मैं NPC में पार्टिसिपेट किया और मतलब सेकेंड प्लेस भी आ गया, तो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ मिरेकल। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 6 महीने में ऐसे मतलब मैजिक हो जाएगा, तो वो हुआ है। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, मतलब पहचान ही नहीं सकते हैं खुद को, मतलब अक्टूबर 2023 के बिगिनिंग और मतलब आफ्टर 6-7 मंथ्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इम्प्रूवमेंट मतलब कंटिन्यूअल हो रहा है। सर जो बोलते हैं मैं पूरा एग्जैक्टली वो फॉलो करता हूँ, तो उससे मतलब पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और मतलब मिराकुलस मैजिकल रिजल्ट्स है। तो आप लोगों को राजा की लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि राजा हमारे NCR का तो है नहीं, ठीक है। तो राजा कहाँ से हो आप? मैं कोलकाता से हूँ, कैलकाटा से हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इधर बहुत सालों से ही हूँ, पहले जॉब करता था, फिर अभी बिजनेस वगैरह है। हमारे जिम में क्या कर रहे हो? मैं साइड बाई साइड वर्कआउट भी करते हुए, मेरा पैशन है। अच्छा। तो इसके सिवा जी नहीं सकते ऐसे है। तो राजा एक बारी बॉडी दिखा दोगे यार? तो राजा की देखो बॉडी मतलब ठीक है उस हिसाब से, राजा थोड़ा पीछे से दिखाना यार। और राजा को सीरियसली बताऊँ ना, पोजिंग वोजिंग भी नहीं आती है, बहुत शरीफ लड़का है और कलकत्ता का है, और मेरे यहाँ पे रेंट पे रहता है, घर पास ही ले रखा है, जिम के पास ले रखा है, और यहाँ पर ही अपनी डाइट वाइट फॉलो करता है, सब कुछ फॉलो करता है, रूटीन फॉलो करता है। लेकिन जब राजा आया था ना, इसके पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग था, इतना मोटा ना, अभी काफ़ी कम हो गया, मसल भी काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। राजा फ्रंट डबल बाइसेप दिखेगी बारी यार, देखो इसको आप देखोगे ना तो मतलब पोजिंग वोजिंग भी इतनी क्लियर नहीं है। चल बैक डबल बाइसेप दिखेगी अभी, बट हाँ ये एक NPC मेडल मार चुका है, आप देख रहे होगे, ऐसा लग रहा है बहुत ही बिगनर है। तो बिगनर के साथ साथ इसने काफ़ी इंप्रूव भी किया है, और इसको रोज़ पोजिंग सिखाता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं सीख पाता है। कुछ चीज़ें होती है हर किसी में कि कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई लेट कैच करता है, लेकिन हमारा कोच है, हम कोच हैं, हमारे कोच का काम ही होता है कि उसको सिखाना और उसकी पोजिंग को या उसके अंदर जो वीकनेस है या उसका वीक पॉइंट है उसको सही करना। तो हम उसी सही में लग रखे हैं, राजा के साथ करेंगे और इम्प्रूवमेंट, ठीक है राजा, और बनेंगे। चलो अभी आप कपड़े पहन लो, दूसरों की वीडियो बनाते हैं आज, लेकिन अच्छी बॉडी बना ली राजा तूने पहले। अपनी पुरानी फोटो दिखाएगा एक आधी, फ़ोन में है? चलो दिखा, मैं आपको फोटो डाल के दिखाऊंगा राजा कैसा था। तो चलो आज हम वर्कआउट करते हैं अपना पंकज के साथ, और अपना लड़का ये है, और एक तीसरा साहिल आ जा। मैं आपको बता दूँ, साहिल उठा आज 5 दिन बाद बीमार हो गया था ना साहिल, तो साहिल बीमार हो गया था तो उसको खिलाना पड़ा सब कुछ, यानी कि दूध दही वही सब खिलाना पड़ा। तो उसके बाद भी बॉडी चलो ठीक ही है, भगवान करे अब बीमार ना पड़े, क्योंकि कॉम्पिटिशन बिल्कुल सर पे है। सो मेरे भाइयों, अपना वर्कआउट शुरू होना है, वर्कआउट से पहले मैं अपने सभी एथलीट को दे रहा हूँ शेड प्रो, जिसका रीज़न है, पहला ये इनकी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, दूसरा शेड प्रो खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में एक्सेस में फैट्स बनाने लग। शेड प्रो के अंदर है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एल्कार्डिनाइट, एल्कार्टिन, CLA, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारे फैट बर्न करने में काफ़ी हमारी मदद करती है।
और मैं आपको बता देता हूँ ये 100% नेचुरल है, किसी भी तरह का इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है। और हाँ एक बात और, इसको हर कोई ले सकता है, लड़का हो या लड़की हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जाओ अभी बाय कर सकते हो अपना डॉक्टर चॉइस का शीट प्रूफ। तो यही रीज़न है इन लोगों को देने का। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि इन लोगों की बॉडी के अंदर अभी एनर्जी लेवल नहीं है, उसका रीज़न कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, तो ये काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटलीस्ट 40 से 45 मिनट ये बहुत एक्टिव रहेंगे और वर्कआउट करेंगे बढ़िया लेवल का। चलो अपना वर्कआउट करते हैं, तुम लोग लो। और हाँ इसमें जैसे कि सर्विस लिखी हुई है 2 टैबलेट, बट 2 नहीं देने, इनको देने मैंने 3 टैबलेट। बिफोर वर्कआउट मॉर्निंग करना है, बिफोर वर्कआउट इवनिंग करना है, ठीक है जी। चलो ये लो अपना शुरू करो वर्कआउट। चलिए वर्कआउट मानना अपना 10 से 15 रैप, ज़्यादा नहीं। चल अपना पहला सेट हम शुरू कर रहे हैं अपना बैक पुल डाउन, और जो कि अपने मारने अपने 10 से 15 रैप। चल चल तू करता रहे करता रहे। और लड़के बहुत सारे हैं तो कोशिश करूँगा कि एक एक सेट ही दिखा पाऊँ आपको, वरना वीडियो का वही भसड़ा बन जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। चलो पंकज चल, तू इसके सिर्फ 3 सेट मारियो पंकज, हाँ, और तू 2 सेट मारियो बस। उधर बेंच लगाओ, फिर दूसरी ट्रेनिंग कराता हूँ। चल शाबाश, वेरी गुड। लेट्स देख रहे हो, ऐसे खोलनी है लेट्स, ये देखो ये देखो ये लेट्स है ना, इसको खोलना है ऊपर, ये पार्ट, ये ब्लेड। चल शाबाश, वेरी गुड, चल परफेक्ट। चल देख, आप लोग देख रहे होंगे राजा ना, राजा जिसके बारे में बता रहा था, देख चुपचाप बैठा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज से मतलब है। इसको देखोगे ना बार बार, ए देख बस, कोई लेना देना नहीं है ना किसी से, बात ना किसी से, कोई लेना ना कोई देना, सिर्फ जिम डंबल। ये बातें भी करता है, सिर्फ मशीनों से बातें करता है सच में ही। चल भाई, भाई तूने, तुझे बोलने के बाद भी यार ये गलती क्यों करता है, समझा ना, एल्बो को आगे रखना, तूने देखा नहीं वो क्या कर रहा था। चल ऐसे रख इसको अब, चल हाँ चल रख ऐसे, एल्बो आगे रख, चल रख रख आगे, शोल्डर शोल्डर बन जाते ऐसे जैसे तू कर रहा था, रख आगे। चल अब लैट्स को खोल, खोल लैट्स। चल अरे सारा प्रेशर जो तू मार रहा था ना, ये इस पर आ रहा था, इस पर नहीं आ रहा था। चल रुक जा भाई, अभी रुक जा पंकज, दोबारा 1 मिनट हो जा सही। अब इसको खड़ा खड़ा देख तू क्या कर रहा था, और इसको समझ, देख इसकी ये देखियो एल्बो, तू उसको ऐसे लेता है एल्बो को पीछे ये, और ये देख ये होता है, ये देख ये क्या, ये देख पंकज हल्की से एल्बो आगे रख, बस ये बस ये, समझ रहा है। तू इनको ना इधर लेके आ जाता है ऐसे, तो उससे क्या होता है, अगर हमारा मसल ऐसे चला तो नेचुरली अपना डेल्ट चलेगा ना, लेट्स पे तो आएगा ही नहीं। शाबाश, बस पंकज बस, अभी थकी पड़ी बॉडी। चल चल भाई साहिल, 10 से 15 रैप। चल भाई तेरा लास्ट सेट है, ठीक है पंकज, तेरे 2 हो गए ना, एक और मारियो बस। चल हाँ शाबाश, हाँ लेट्स खोल, लेट्स आ गया ना दे, आ गया ना दे, यस आ गया बेटा, लेट्स आ गया ये, हाँ ठीक है, हाँ ला लेट्स, लेट्स ला, वेरी गुड, हाँ हाँ करता रहे। चल आराम से, चल चल आराम से, वेरी गुड, कमान कैरी ऑन, बढ़िया लेट्स, शाबाश कमान पंकज। अब गिरी थोड़ी छोटी पकड़ने लगा, थोड़ी क्लोज पकड़ियो, ठीक है और कम करिए, अब ग्रीप को ना क्लोज पकड़ने लगो, ठीक है। चल पंकज 3 हो गए बैक के, एक रहता है, 2 हुए हैं, हाँ एक ही मारना बस बैक का, एक और मार बैक का मारना ना, क्लोज पकड़ के मार, हाँ यही, हाँ चल अब थोड़ी ना ग्रीप को क्लोज पकड़ने लगो ताकि ये पूरा फाइन हो जाए मसल, ठीक है। हाँ अब इससे क्या है, ग्रीप क्लोज पकड़ने से ना ज़्यादा फाइन होगा, यानी कि डिफाइंड ज़्यादा होगा। चल शाबाश ये, हाँ तो ये पार्ट क्लोज पकड़ने से ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा लोड लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं और ज़्यादा पुल होते हैं, बॉडी कर रहा है वो मूवमेंट, इसकी आगे पीछे करनी पड़ती है लेट्स की, ये ब्लेड होती है जो जिस पे नहीं हो पाता उससे बोला जाता है कि भाई तू बॉडी की मूवमेंट थोड़ी आगे पीछे कर, एक बेंच लगाओ जिस पे तुम बैक पुल डाउन मारते हो ना, और इस शोल्डर वाली बेंच यहाँ बीच में लगाओ। सो मेरे भाई फ्रंट पुल डाउन के बदले मैं करा रहा हूँ अपने रोप से फ्रंट पुल, और ये अपनी होती है अपनी केबल क्रॉस से, थोड़ा सा ये है कि ब्लेड और थोड़ा सा पीछे रही हो, ठीक है। चल थोड़ी सी लेफ्ट ब्लेड और लोअर ब्लेड ना, ये लोअर पार्ट और ज़्यादा फाइन हो जाता है। चल ठीक है पंकज शाबाश, कमर दबा नीचे, हाँ ये चल शाबाश, हाँ जाने दे, हाँ आ रहा है ये, चल ये दबा, हाँ ये शाबाश कमर, ये दबा ये, वेल डन, चल कमर दबा ये, वेरी गुड, चल शाबाश, चल चल दबा, हाँ हाँ ये हल्का सा जर्क मारा का पीछे, ये
हाँ दबा, इससे और भारी हो जाएंगे ये। हाँ चल शाबाश, कमान चल। ये लोअर बैक का ना मिडिल बैक होते हैं, ये पूरा पार्ट ये डिफाइंड हो जाएगा, और जो ऊपर की ब्लेड है ना वो और मोटी हो जाएंगी भारी की तरफ। चल भाई इसको करने देख सर, तू फ्रंट मार, तू वो मार फ्रंट। हाँ अरे तू चार बार, हाँ भाई तू उस पर आया बीमार से तो इंजरी हो जाएगी तेरे को, पैर पीछे कर ठीक है। चल अब चल चल शाबाश, खींच फ्रंट पे ही, वन आ पीछे, टू दबा इसको यहाँ से, थ्री ब्रीथ आउट कर, हाँ ये ब्रीथ आउट कर दबाए, हाँ चल दबा, वेल डन चल दबा, देख रहे फाइबर रोका कर रहा है पीछे, ये दबा, हाँ ये मसल सिर्फ इस पर फोकस कर, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस ठीक है, ये तो बनेगा बनेगा, ध्यान सिर्फ इस पर देना, और इस पर ध्यान जब आएगा जब होल्ड करेगा भाई, होल्ड करेगा जब ये यस कमान यस, चल जाने दे ऊपर, जाने दे ऊपर अपने आप को, चल जाने दे जाने दे जाने दे, स्ट्रेच होने दे, हाँ लैट्स को, हाँ खोल लैट्स को, चल जा अब रोक, चल रिलैक्स, चल आ पंकज इसके मारेंगे चार सेट, आ रहा है ना, आया पीछे बैक पे वन आर्म, चल पंकज पैर पीछे रखे पंकज, चल ये दोनों पकड़ियो ठीक है, ये दोनों मसल यहाँ से यहाँ तक बस ठीक है, हाँ ये बनेगा इसमें, चल हाँ शाबाश, ये ब्रीथ आउट क्या कर अब, कमान ब्रीथ आउट अब, वेल डन कमान आउट अब, यस कमान वेरी गुड, चल आउट ब्रीथ आउट, ये शाबाश वेल डन, चल अब आया, चल शाबाश कमान रिलैक्स, चल भाई फ्रूट्स मत खाइए बिल्कुल भी, चल भाई चल सेट मार, तेरा सेट है। सो मेरे भाई इसके करने हमने चार सेट, लेकिन दिखाऊंगा दो ही क्योंकि मेरे भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इनकी पोजिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हो चुके हैं लड़के और कैसे नहीं हो चुकी है, कंडीशन कैसे हो चुकी है, आप लोगों ने वीडियो में पिछली बार देखा होगा और अब के बारे में बताना डिफरेंस कितना हो चुका है, दबा पीछे चल शाबाश। बट आज मैं कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग कराऊंगा जो शायद मैंने अपनी वीडियो में पहले नहीं दिखाई है, चेस्ट बाहर क्या कर जब नीचे आता तब, ये हाँ अब दबा ये अभी तो आई ब्लेड चला दबा चेस्ट दबा ठीक है, तो ऐसी ट्रेनिंग की शायद पहले ना दिखाई हो जो कि हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ में करते हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ मसल्स को लोड देने के लिए, मसल पे फोकस करने के लिए, कि इन ट्रेनिंगों से मसल्स पे फोकस ज़्यादा होता है क्योंकि मसल में पेन ही वहाँ पे आता है, आपका लोड ही वहाँ पे आता है, तो फोकस लेवल वहाँ का बढ़ जाता है, तो अपने बॉडी पार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो चलो आपको मैं अगला सेट दिखाता हूँ अगले वर्कआउट का। सो भैया अपना नेक्स्ट वर्कआउट है यानी कि थर्ड वर्कआउट जो कि अपना है वन आर्म डंबल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैक के वर्कआउट के लिए, एक अकेला लौता डंबल ऐसा है जो आपकी लैट्स को इम्प्रूव करता है सबसे ज़्यादा। चल शाबाश कमान फोर वेरी गुड पंकज, चल फाइव बढ़िया, चल सिक्स कमान चल रिलैक्स, इसके मारने हम लोगों ने चार सेट, चल भाई तेरा सेट है, इसके हम लोग मारेंगे चार सेट और बैक में इंप्रूवमेंट देख लो, देख अब देख तू ऐसे खड़ा रहा है नॉर्मल ठीक है। अब जो तुम्हें ट्रेनिंग कराई है ना उसका काम समझना, ये दिख रहे तुम्हें दोनों मोटे अलग से ही दिख रहा भाई, तू बता दिख रहा है, ऐसा हो गया ना कितना पंप सा हो गया, ये बहुत रेयर लोगों के होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी क्या ट्रेनिंग होती है, कभी देखा ये है ना, ये वाला पार्ट है ना जो ये पार्ट इसके बाद लोअर बैक, ये वाला पार्ट है ना ये बहुत रेयर होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता इसकी क्या ट्रेनिंग होती है। अरे पंकज सीधा खड़ा रहा, ए अब हल्का सा पीछे ऐसा करिए हल्का सा, बस आगे निकल के आगे डिफेंड हो गए अलग ही, कितना पंप हो रखा है ना, हो रखा है ना, तो बंदा जब नीचे से बैग देखेगा ना खुद कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये कैसे बनता है यार, इसकी क्या ट्रेनिंग है ना, ये देखो। तो यही पार्ट कुछ कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं कि जो लोगों को नहीं पता होते और स्टेज पे वो नहीं दिखते, हम ऊपर की ब्लेड देख लेते हैं कि शायद सबकी बैक ही ऐसी होती होगी, तो बैक के यही पॉइंट मेरे अच्छे थे, हाँ जो एक्चुअल मसल है हाँ वो नहीं देख पा। चल अभी तू भी मार दे, तेरे भी दिखाता हूँ, ये बहुत बड़े लग रहा है, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा हो, चल है मिलाई थी ना, हाँ पूरा ठीक ब्लेड हो रखी है बेटा, एक महीना अपने पास चार हफ्ते हैं गुरु, चार हफ्ते हैं शेरू के, कोई दिक्कत नहीं है, साबा जा नीचे नीचे जा, ये वेल डन, दस से पंद्रह है हमारे बेटा, चल शाबाश, हाँ हाँ पूरा जा, कोई दिक्कत नहीं यार, बेशक थोड़ी स्पीड से मान ले कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रॉपर डाइटिंग पे हो यार, सोडियम तुम्हारा बंद है, ट्रैसम में देख कैसे फाइबर है इसके, देखिए
बिगिनर फाइबर, अल्टीमेट फाइबर बॉडी है इसकी, मतलब बिगिनर ही है। सही बताऊँ तो इसको 6-7 महीने हुए खेलते खेलते, और ये 2-4-5 साल खेलेगा ना, बॉडी बहुत अच्छी बनेगी इसके अगर ये करता रहा ईमानदारी से और रेगुलर करता रहा। उसका रीज़न बता दूँ आपको, तो इसकी बॉडी में फाइबर बहुत आएंगे बहुत। अभी देख तू भी ऐसे खड़ा रहा है, ठीक है, देख ये पार्ट है ना, ये पार्ट हो गया ना, ये है ना पंकज, ये अब देख, अब हल्का सा पोज मारियो इसको, ऐसे नहीं दोबारा पीछे इस तरह, बस अब आ खोल खोल बस, ये जो डिफेंड हो रखा ना, ये पार्ट, ये मसल सिर्फ और सिर्फ इतना मसल इस, हाँ इसकी थी वो ट्रेनिंग जो भी कराई ना तुम्हें, ये ट्रेनिंग इसकी थी, वो जो टाइगर वाली मुझसे आती है, हाँ हाँ हाँ, लोअर बैक फाइबर ये होता है, देख बना के दिखा लोअर बैक फाइबर, देखो सिखा दो, चल ब्रीथ आउट करा कर, अगर ब्रीथ आउट नहीं करता तो मसल में से नहीं निकलती हवा, ये पीछे क्यों जा रहा है, कोई गलती गलती पे गलती गलती पे गलती, इधर ही रह, इधर ही बना दे, पीछे मत जाना, इधर ही बना दे पोज बस, हाँ अब कर हाथ सीधा एल्बो स्ट्रेट कर, अभी देख लोअर बैक खा रखी ना इसने, ऐसे नहीं खाते लोअर बैक, अबे ये चीज नहीं, ऐसे मुड़ जा, ऐसे ऐसे मुड़ जा, कुबड़ा बन जा, कुबड़ा कुबड़ा और हो जा, और मुड़ जा, अब यहाँ से मारिए पोज बस, अभी भी नहीं खींची तूने लोअर बैक, आ तो जाते हो की कमी है, कोई नहीं, तो चलो मेरे भाई इसके करेंगे हम लोग 4 सेट और हर सेट में मारेंगे हम 10 से 15 रैप और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यही सेट बहुत है। हाँ सो मेरे भाई तू बना मार अपना 4th वर्कआउट, अपना बेंट ओवर रोइंग, और बेंट ओवर रोइंग का इस टाइम यानी कि लास्ट ट्रैप टाइम पे मूवमेंट चेंज हो जाता है, जैसे कि पंकज अंडरआर्म करने अब अंडरआर्म, हाँ अंडरआर्म से क्या होता है लोअर बैक और ज़्यादा ग्रिप बराबर, लोअर बैक और ज़्यादा इंप्रूव होती है। चल पहले लेके सीधा खड़ा हो जा, अपने लोअर बैक बाहर कर, ऐसे बाहर शोल्डर पीछे, अब मूव कर, कम ऑन मूव, 1 चल 2 चल 3 शाबाश चल, 4 चल शाबाश दबा, 5 कम ऑन 6 चल, 7 चल दबा, 8 ज़्यादा ऊपर मत आ, हाँ चलेगा चल सीधी चल, कम ऑन मूव मूव चल, 1 सामने देख, सामने देख, 2 और ऊपर, 8 ये मसल एंड दबा ऊपर, 9 चल दबा, 10 साथ छोड़, 11 चल दबा, 15 स्टॉप कम ऑन, वेट बढ़ाओ वेट बढ़ाओ, स्टॉप स्टॉप वेट बढ़ाओ, 10 10 और 10 10 बोथ साइड। सो मेरे भाई इसके करेंगे हम लोग 4 सेट और आपको मैं बताऊंगा, आप लोग सोच रहे होगे यार इनों का सोडियम बंद है, इनों का खाना पीना बंद है, तो इनों के अंदर एनर्जी कैसे है इतनी ज़्यादा एनर्जी कि ये बिना रुके वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, मैं इनों को देता हूँ शेड प्रो यानी कि डॉक्टर चॉइस का शेड प्रो, जो कि जिसके अंदर नाइट्री ऑक्साइड है और काफ़ी अच्छे लेवल में इनों की बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल इस लेवल का बढ़ जाता है कि 1 घंटे तक नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हैं, और तो और उसके फ़ायदे ये है जब से मैंने शुरू किया इन लोगों की बॉडी में काफ़ी शेड हो गया है और काफ़ी फैट्स बन हो चुका है उससे, जो अपना नॉर्मल साइड स्किनी फैट था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ देख सही ये हो गया ना पंकज, सारा सारा क्लियर, हाँ अपनी अभी मैं कोशिश करूँगा इनों की थोड़ी सी टैबलेट और बढ़ा दूँ, अभी तो हमने जैसे कि 3-3 टैबलेट शुरू कर रहे थे, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप 2-2 टैबलेट लेना, बट इनों को मैं कराऊंगा 3-3 टैबलेट, 15 स्टॉप वेरी गुड, 2 सेट तो इसको करेंगे हम सिर्फ 4 सेट। चला भाई आजा, तो मेरे भाई अपना लास्ट वर्कआउट अपना केबल रोप, चल कमान जब इसका जब हाँ नीचे आता ना पूरी चेस्ट बाहर कर जाएगा पंकज, फिर बाहर कर दे ये, हाँ चल जा नीचे चल बाहर कर, हाँ चल हाइपर मारियो चल जाने दे आगे, हाँ बस चल जाने दे आगे, यस वेरी गुड पंकज बहुत बढ़िया, कितने मारे 15 चल भाई तू भी मार, ठीक है जब नीचे आएगा तो स्ट्रेट चेस्ट बाहर और आगे अपनी लेट्स को स्ट्रेच करते हुए, चल चल 1 चल 2 चल सीधा रखना कमर और ऊपर आ, क्या कर रहा है तू, तो गलत ही कर रहा है, आगे जा चल चल ऊपर आ, फिर जा चल ऊपर आ, ऊपर आ दबा इसको, हाँ दबा इसको, ब्रीथ आउट चल ब्रीथ आउट दबा इसको, ज़्यादा नीचे में जा चल बस इतना दबा दबा। सो मेरे भाई ये अपना लास्ट वर्कआउट है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ लोअर बैक की एक्सरसाइज कराऊंगा, हाइपर एक्सट्रैक्शन गुड मॉर्निंग क्या होती है क्या नहीं वो दिखाऊंगा। सो बैक का वर्कआउट इनके लिए इतना ही बहुत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 0 है, सिर्फ सोडियम 0 है, सिर्फ प्रोटीन डाइट पे जिंदा है, तो इतनी कैलोरीज नहीं होती है, बॉडी के अंदर जान नहीं होती है, तो ज़्यादा करने का मतलब अपना मसल लॉस कर रहा, इसलिए ओवर ट्रेन ना करके मसल को सिर्फ पंप करके आगे बढ़ते रहो और अपना साइज इंप्रूव करते रहो, अपनी बॉडी को इंप्रूव करते रहो, ये ना कि हम अपना वर्कआउट पे ले कॉम्पिटिशन पास आ गया और ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग करे खा नहीं रहे, तो उससे आपका मसल लॉस होता है, उसका ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाओ और अपना बॉडी बिल्डिंग करते जाओ।
चल पंकज इसके मार 3-4 सेट, देन उसके बाद लोअर बैक की ट्रेनिंग बता रहे, ठीक है। सो मेरे भाई ये भी नया लड़का है, और अभी कितने दिन हुए डाइटिंग करते हुए? डेढ़ दो महीने हुए। कोई नहीं, नेक्स्ट कोशिश करूँगा इसको और अच्छा करने की, इस हाइट में बहुत बढ़िया बॉडी बनाने की। इसकी वेस्ट बहुत अच्छी है और बहुत मेहनती भी लड़का है यार, नोएडा से आया है, नोएडा में कोचिंग करता है, और मेरे ट्रेनर भाई सभी बड़े परेशान रहते हैं, कोचिंग करते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत बड़ा सपना सबका होता है, जो मेरे खासकर ट्रेनर भाई है, बड़ी मेहनत करके आप लोगों को देखो ऐसे ऐसे हेल्प कराते हैं, देखो ठीक है। ये खुद कोचिंग करके अपने एक्सरसाइज कर रहा है, फिर कोई हेल्प मांगता उसको देता है। तो ट्रेनरों के लिए बड़ा चैलेंज होता है सीरियसली में बॉडी बिल्डिंग करना, सही है ना? क्योंकि मैं भी खुद ट्रेनर हूँ, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज होता है, जो कि मैं नहीं करता हूँ बॉडी बिल्डिंग। अब कोशिश करूँगा करने की, हुई तो ज़रूर करूँगा। एक नोएडा से कोचिंग करके आया, एक कहीं से करके आया, कहीं से करके आया, एक पर्सनल ट्रेनिंग करा के आया, होम ट्रेनिंग करा के आया, ये जिम में ट्रेनिंग करा के आया, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करना, अपने आप को ट्रेन करना, फिर शाम को दोबारा फ्लोर पर खड़ा होना, फिर अपनी डाइट को मेंटेन करना। तो ऐसे लोगों को सीरियसली सलूट है, और उसके बाद भी बॉडी को मेंटेन करना और कॉम्पिटिशन खेल के मेडल लाना, उसके बाद वेरी गुड, मतलब नेक्स्ट लेवल सलूट है। तो चलो अभी थोड़ी सी पोजिंग करेक्शन करूँगा, ये बिगनर है, उसी हिसाब से इसकी ठीक करते। चलो भाई स्टैंडिंग दो पहले, और देखो तुम्हें स्टैंडिंग का एक एक पर्पस बताता हूँ, अपने अपने बॉडी टाइप का होता है। पंकज तो हमेशा स्टैंडिंग क्रॉस देगा, हाँ, वेस्ट थोड़ी चौड़ी है तेरी, घूम, हाँ, इस पैर को ना आगे नहीं रखते पंकज, साइड में, जैसे उस लड़के का ये डेल्ट उठा दू, ये वाला राइट वाला, समझ नहीं आ रहा तो सामने मिरर में देख ले, ठीक है, ये ठीक है, ओके कम ऑन। क्वार्टर राइट टर्न, क्वार्टर राइट टर्न का मतलब है उल्टा नहीं घूमना, ना 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 ना, अब क्वार्टर राइट टर्न होता है ना तो सब लोग उल्टे घूम जाते हैं, पहले पोज ना फ्रंट पे कराते हैं, स्टैंडिंग क्वार्टर राइट देन क्वार्टर राइट, तो पहले दो पोज आपने फ्रंट में दिखाने हैं, ठीक है। अब ये आगे ना, अब क्वार्टर राइट मतलब सीधे हाथ की तरफ घूमो और इस वाले हाथ पे आ जाओ, लेफ्ट पे, हाँ क्वार्टर राइट मतलब हाँ लेफ्ट पे आगे ना, यस ये वाला हाथ इधर, यस ये, हाँ बेटा ये हाथ इधर रहेगा, हाँ बना पोज, यस वेरी गुड। पंकज सीधा है ऐसे, तू सही है, ये फ्रेम सामने नहीं लाना, ये फ्रेम सामने नहीं लाना, ये फ्रेम साइड रखना है, ठीक है, ये रख, ये फ्रेम साइड पे रखना है, बस ये, बस बस, और कुछ नहीं करना, फ्रंट पे नहीं दिखाना तुझे, ये जो है ना ये पार्ट, इधर देखता रहा लेकिन इधर नहीं दिखाना तुझे, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, देख ये तेरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स तेरा बॉक्स मुझे दिखना चाहिए लेकिन इधर नहीं दिखना चाहिए, समझ गया, हाँ ये दिखा बस। और तेरे को यही नोटिस रखना है हमेशा स्टेज पे, तेरे को यही दिखाना है क्योंकि फ्रंट से तेरा बहुत बड़ा है, हाँ यस ये वेल डन, ठीक है। अब इस पोज में अपने शोल्डर और अपनी बैक यानी कि लैट्स को ठीक कर, तू ब्लेड को ऐसे ले जाता है, हाँ ये, हाँ और बॉक्स में ही तरफ, बॉक्स में ही तरफ, ठीक है। अब जब बॉक्स में ही तरफ आ गए ना तो ये पैर ऐसे उधर की तरफ, ये यस वेरी गुड, बढ़िया कम ऑन। नाउ क्वार्टर राइट टर्न, अब सीधे हाथ की तरफ उल्टे घूम जाओ, चल हाँ 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 चल, थोड़ा स्पेस ले ले, थोड़ा इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ चल चलो वेरी गुड, बढ़िया शाबाश, परफेक्ट, रिलैक्स, अगेन क्वार्टर राइट टर्न, क्वार्टर राइट टर्न, घूम ये, तू सीधा हो, ये देख पैर कहाँ ले गया तू, उस पैर का तो समझ, जब भी फ्रंट पोज रहेगा तो जो हाथ ऊपर रहता है वो लेग्स पीछे ले जाया करो, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये रखोगे ना ये तो तुम घूम ही नहीं पाओगे, ये जाएगा तो तुम घूम पाओगे ऐसे, ठीक है, चल पता चल रहा है, एक पोज को ठीक करने के लिए पैर में कन्फ्यूज हो गया, तो मैंने बोल दिया रिलैक्स, ओके रिलैक्स, ठीक है। तो ज़्यादा पोज नहीं है, मैन फिजिक के यही पोज है, बस ये है कि अपनी करेक्शन करना सीखो और अपने आप को, भाई मैं कहाँ से चला रहा हूँ, जैसे फ्रंट से तू इतना अच्छा नहीं लगता है तो तुझे हमेशा राइट साइड रखना है, ठीक है। तू फ्रंट से अच्छा लगता है, ये भी मार सकता है तू, लेकिन इसमें तेरा पेट, यही मार, इसमें तेरे, हाँ इसमें तेरे रिब्स भी आ रहे हैं, पेट भी आ रहा है, समझ रहा है, और शोल्डर भी आ रहे हैं, बस बैक को निकालना सीख बस, हाँ ये, हाँ ये देख, अब तू इधर से अच्छा लग रहा है, तेरा बॉक्स उधर है ना तो तू इधर से अच्छा लग रहा है पंकज, हल्का सा ट्राइसेप्स को उधर ले जा, बस ये बस रिलैक्स। अब अगले 15 दिन में पंकज की बॉडी में आज डैप देख लो, अगले 15 से 20 दिन में और इतने इतने डैप घुस जाएगी, अब इतने इतने, बस ये काम कर लो जो बताया, बस रिलैक्स। चलो एनीवेज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।